जिस तरह हमने एक्सपेक्ट किया था ना कि इंडिया टीम खेलेगी उस तरह नहीं है, लेकिन बेस्ट विशेज है हमारी इंडिया के साथ, उसी को सपोर्ट करेंगे। बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं तो बड़ी खुशी, ऐसा फील ही नहीं हुआ। पाकिस्तान से हमें लोग पूछते हैं तो कैसा है इंडिया, हमने कहा हमारे जैसा ही है, लोग भी हमारे जैसे हैं। हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा ऊपर इन्होंने हमें यहाँ पर प्रोटोकॉल दिया और ये याद किया जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि ओवर एक्साइटमेंट थी मेरे ख्याल, जिसकी वजह से हमें ये भुगतना पड़ा। मैच जो जीता हुआ मैच हमने अपने हाथों से इनको दे दिया। हाँ वो 1-on-1 था, वो तो खाली था बिल्कुल, लेकिन बाद में ही आ जाती है जो क्रिएट अपॉर्चुनिटी हमने की, अगर उसको गोल में जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे, अगर लीड कन्फर्म नहीं करेंगे तो ऐसा ही होगा। और लड़के आई थिंक हम लीड में थे, ओवर एक्साइटमेंट थी थोड़ी सी, वजह से हम आज फिर हार गए। खोया पाया तो मैचेस मिले हैं सबसे पहले, तो ये एक खुशाइन बात है। लड़के छोटे यंग लड़के मतलब कि इस तरह के मैचेस, बड़ा इवेंट है वर्ल्ड कप, और इंडिया जैसे मुल्क में आकर खेलना तो लड़कों के लिए फ्यूचर में मदद देगा, उनके कॉन्फिडेंस में एक्सपोजर मिला है उनको, तो इसलिए ये ज़रा अच्छी बात है कि उनको मैचेस मिले हैं। देखें किसी भी देखें फील्ड में किसी एक ही वजह से या दो बंदों की वजह से टीम नहीं हारती है, टीम गेम है, तो टीम गेम में टीम ही जीती है और टीम पूरी टीम ही हारती है। जिसमें हमने चांसेस मिस किए, मैं तो ये समझता हूँ कि फिनिश नहीं किए, जब तक हम फिनिश नहीं करेंगे तो रिजल्ट ऐसे ही कुछ मिलेंगे हमें। बड़ा अच्छा लग रहा है इस तरह के स्टेडियम में आकर खेलना, जहाँ पर पहले भी एक वर्ल्ड कप हो चुका है, चैंपियन ट्रॉफी हो चुकी है, बड़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और अच्छा हाँ कोई फ़र्क, हमें तो कोई फ़र्क नहीं नज़र आया, बड़ा अच्छा माहौल, और काफ़ी लड़के जो भी हमारे होटल में जो आसपास लोग हैं बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं, तो बड़ी खुशी, ऐसा फील ही नहीं हुआ। पाकिस्तान से हमें लोग पूछते हैं तो कैसा है इंडिया, हमने कहा हमारे जैसा ही है, लोग भी हमारे जैसे हैं। नर्वस नहीं थे, मैं कह रहा हूँ कि ओवर एक्साइटमेंट थी मेरे ख्याल, जिसकी वजह से हमें ये भुगतना पड़ा। मैच जो जीता हुआ मैच हमने अपने हाथों से इनको दे दिया, वही बात कहूँगा जब तक चांसेस अवेल नहीं करेंगे, और डिफेंस में कुछ मसले मसाइल हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है, तो अगले गेम में इसको कोशिश करेंगे कि ना करें। तैयारी जिस तरह भी हमें कोविड की वजह से इंटरनेशनल मैचेस नहीं मिले, उनका बड़ा फ़र्क पड़ता है। बाकी टीम्स जो भी हैं हालात में, वो यूरोप में एक दूसरे के साथ खेलती रहती हैं और दूसरी टीम्स मैचेस खेलती रहती हैं, हमें हमारे लड़कों को मैचेस नहीं मिले इंटरनेशनल मैचेस। ये पहली दफ़ा आके 12 लड़के खेले हैं बाहर आकर, अपने मुल्क से बाहर आकर, ये बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो हम मायूस नहीं है, हम समझते हैं कि ये एक लर्निंग प्रोसेस है लड़कों के लिए। आगे हमारी टीम में से 6-7-8 लड़कों ने एशियन एमी ट्रॉफी में जाना है, जो इन यहाँ से कुछ जो कॉन्फिडेंस गेन करके जाएंगे वहाँ उनको मदद हासिल होगी। ठीक है, वह बहुत अच्छा था, कलिंगा स्टेडियम का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है, अगर क्राउड ज़्यादा होता तो और मज़ा आता खेलने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्राउड नहीं था ड्यू टू कोविड, और जिसकी वजह से क्राउड नहीं आ सकता। लेकिन जिस तरह ओडिशा हॉकी ने हमें यहाँ पर वेलकम किया, हमें फैसिलिटेट किया, जिस तरह हमें प्रोटोकॉल दिया, हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा ऊपर इन्होंने हमें यहाँ पर प्रोटोकॉल दिया और ये याद किया जाएगा। नहीं नहीं, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिला कोविड की वजह से, हम पिछले 3 साल से हमने कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला, यहाँ पर आके हमने सिर्फ 2 प्रैक्टिस मैच खेले थे, उसके बाद हमारा जो उनसे लीग मैच स्टार्ट हो गए थे, और डे बाई डे हमारी परफॉर्मेंस बेहतरी की तरफ जा रही थी। आपने हमारा अर्जेंटीना का मैच देखा है, वो हम हार्ड लक थी हमारी जो हम मैच हार गए, वरना वो हम जीत गए थे मैच। और जिस तरह ही आज का मैच, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिस की हमने, ज़ाहिर बात है इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा काउंट करता है, तमाम टीम्स जो उनसे इंटरनेशनल एक्सपोजर की वजह से डे बाई डे अच्छा परफॉर्म करती हैं। और अब जो उनसे हमारा फॉरेन कोच भी आ गया है, सिगफ्रीड डिकमैन, जो कि जापान का कोच था 2018 में, जो कि एशियन गेम्स जापान चैम्पियन टीम थी उसका कोच था, वो अब आ गया है, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और एशियन चैम्पियन ट्रॉफी में पाकिस्तान सीनियर टीम सरप्राइज करेगी, उम्मीद करते हैं हम इस चीज़। ज़ाहिर बात है जिस तरह कि आपको पता है एक टीम का फॉल बैक आता है फिर वो ऊपर भी जाती है, जिस तरह 2008 ओलंपिक में इंडिया ने क्वालिफाई नहीं किया था, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने काफ़ी सीरियसली लिया, और आज आप देख सकते हैं इंडिया जो उनसे ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। ज़ाहिर बात है एशियन टीम है, हमें भी खुशी होती है, हमारा हमसाया मुल्क है। इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन जिस तरह हमने एक्सपेक्ट किया था ना कि इंडिया टीम खेलेगी उस तरह नहीं है, लेकिन बेस्ट विशेज है हमारी इंडिया के साथ, क्योंकि वही एक एशियन टीम है जो कि इस वक्त सेमीफाइनल्स में है, तो बेस्ट ऑफ लक इंडिया, हम साथ हैं। नहीं, हम तो सपोर्ट इंडिया को करते हैं, बिकॉज ऑफ एशियन हमारा हमसाया मुल्क है, हम तो उसी को सपोर्ट करेंगे, और हमारी बेस्ट विशेज है इंडिया टीम के साथ, हमारे भाई हैं वो। ठीक है।